छतरपुर जिले में हाई स्कूल की परीक्षा के पहले पेपर में ही बुधवार को परीक्षार्थी परेशान हो गए। सैकड़ों छात्र छात्राओं को टाट पट्टी पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ी। ये व्यवस्था हरपालपुर नगर के आवासीय हरदयाल हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र में देखने को मिली। परीक्षा में 3 घंटे बैठना 423 छात्रों को भारी पड़ गया। ठंडे फर्श और झुके झुके बैठने की मजबूरी से छात्र खासे परेशान दिखे। जिला कलेक्टर संदीप जीआर के सख्त निर्देश के बावजूद परीक्षा का संचालन कर रहे जिम्मेदार लोगों द्वारा परीक्षा शुरू होने से पूर्व समुचित तैयारी नहीं की गई, जिसका असर अब परीक्षा के संचालन में लापरवाही के रूप में सामने आ रहा है। कई विद्यार्थियों को गैलरी में टाटपट्टी बिठाकर परीक्षा दिलाई गई। उन्हें परीक्षा के दौरान बैठने के लिए कमरा भी नहीं मिला। परीक्षा केंद्र के औचक निरीक्षण के दौरान सहायक संचालक सागर के तिवारी ने भी केंद्राध्यक्ष आर के सोनी से बैठक व्यवस्था सही न होने को लेकर पूछताछ की। साथ ही कमरों में रोशनी की समुचित व्यवस्था न होने पर खासी नाराजगी जाहिर करते हुए निरीक्षण के दौरान ही कक्षों में रोशनी की व्यवस्था कराई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भी माना कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए गैलरी में बैठने से विद्यार्थियों का ध्यान भंग होता है और परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि केंद्राध्यक्ष ने पूछे जाने के बाद कहा कि आज पहला दिन था और छात्रों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करा दी जाएगी। फर्श पर बैठकर परीक्षा दे रहे छात्रों ने करीब 3 घंटे तक आफत झेली। विद्यार्थियों ने बताया कि जमीन पर बैठने की वजह से प्रश्न पत्र हल करने में काफी दिक्कतें हुई। कई छात्रों ने पीठ दर्द और सिर दर्द की शिकायत भी की है। परीक्षार्थियों का कहना है कि अगले पेपरों में उनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, वरना इसका असर उनके परीक्षा परिणाम पर भी पड़ सकता है। अच्छा, आपको काय पे बैठाला गया था? जमीन पर। अच्छा, और वहाँ पे टेबल कुर्सी नहीं थी बैठने के लिए? और रोशनी वोशनी लाइट आइट थी? पंखा के चल रहे थे? पंखे नहीं चल रहे थे? अच्छा, आप क्या चाहती हो, कलेक्टर साहब से क्या मांग करना चाहती हो? हम लोग पेपर देने बैठे तो कायदे से कुछ था नहीं, मतलब नीचे बैठाया। इतना इवन ये भी नहीं है कि क्लासेस में, मतलब यहाँ पे पढ़ाई तो होती होगी, यहाँ पे ये भी नहीं है कि टेबल चल रहे, बच्चों को पेपर दिए जाए, मतलब सीधे भी नहीं बैठ सकता कोई, कहाँ तक नीचे बैठ रहा है 3 घंटे, पैर भी अकड़ जाते, लिखते भी नहीं बन रहा, कहाँ पेपर पैड रखे, कहाँ क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ, ऊपर से आंखें फोड़ लें क्या हम लोग, इतनी मतलब डिम लाइट है, कैसे लिखते बनेगा किसी से। आपके द्वारा निरीक्षण भी किया गया कल, फिर भी ये व्यवस्था पाई गई? आप बोलो, गर्ल्स मार्केट सेंटर नहीं है वहाँ से परिचय मंगवा रहे हैं क्या? आज बच्चे जमीन पे बैठे हैं ना? हाँ, और सर लाइट क्यों, क्या व्यवस्था की है? लाइन में पानी की क्या, कैसी व्यवस्था? जनरेटर भी नहीं है यहाँ पे। जनरेटर है यहाँ पे? जनरेटर है? जनरेटर नहीं है, लाइट नहीं है, अभी 2 घंटे से लाइट नहीं है। अरे यहाँ पे विद्युत कटौती होती है तो इसमें फिर क्या गर्मी में बच्चों को पेपर देना पड़ेगा ना? जनरेटर व्यवस्था नहीं है। आज अवगत कराया गया, फर्नीचर का इशू था, बाकी लाइट तो थोड़ी देर के लिए गई थी, तो उन्होंने जो व्यवस्थापक है उन्होंने लाइट को हर कमरे में करा दिया है, और पानी का कोई इशू नहीं है, पानी की टंकी है और हर कमरे के सामने भी पानी रखवा दिया गया है। कुछ बच्चों के लिए फर्नीचर जरूर नहीं है, तो आज केंद्राध्यक्ष को बड़ी कड़ाई के साथ कह दिया गया है कि जिन बच्चे संस्थाओं से आए हैं उनसे वो फर्नीचर आज ही मंगाएंगे, और कल हमारी जो 12वीं की परीक्षा है उसमें सभी बच्चे फर्नीचर पर ही बैठा ले जाएंगे, क्योंकि आज की व्यवस्था से थोड़ा सा बच्चों को असुविधा जरूर हुई है, और कल इस इशू को बिल्कुल पूरा कर लिया।